This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. पूरा लखनऊ लॉकडाउन में है, लेकिन लखनऊ का भैंसा कुंड यानी कि वो जगह जो शमशान की है, एकमात्र वही जगह है जहां इस वक्त भारी भीड़ दिखाई दे रही है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि भैंसा कुंड से तकरीबन आधे किलोमीटर दूर तक लाइन लगी हुई है और ये लोगों के शव हैं और ये पूरा इलाका अब शमशान में तब्दील होता जा रहा है। ये रिवर फ्रंट है और रिवर फ्रंट के किनारे किनारे आप देखिए लकड़ियां सजाई गई हैं और जो भैंसा कुंड जो कि शमशान घाट है उससे आधे किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक अलग अलग जगहों पर ये लकड़ियां लगातार लाई जा रही हैं, क्योंकि मरने वालों का ये आंकड़ा है और शमशान से निकलकर ये धीरे धीरे रिवर फ्रंट तक बढ़ चुका है। दरअसल मौतें इतनी ज्यादा हुई हैं कि अब उसकी गिनती मुश्किल हो रही है और आप ये देखिए गोमती नदी का किनारा है, शमशान से दूर है और यहां पर लोगों की परिजनों की आप भीड़ देख सकते हैं, क्योंकि जगह जगह यहां पर शव जलाए जा रहे हैं, जलाने पड़ रहे हैं और उसकी वजह सिर्फ यह है कि लखनऊ में कोरोना से मौतें कितनी ज्यादा हो रही हैं। ये सब ऐसे दृश्य हैं जिसे देखना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन कोरोना के इस कहर ने इस शहर को जार जार रोने पर मजबूर कर दिया है। हम आपको आगे दिखाएंगे कि कितनी दूरी तक ये शमशान फैल चुका है लखनऊ में और आप ये किनारे रिवर फ्रंट के किनारे का ये दृश्य बिल्कुल मरघट में बिल्कुल शमशान में ये पूरा इलाका तब्दील हो चुका है। यहां से आगे तकरीबन 200-300 मीटर की दूरी पर वो शमशान घाट है और वहां पर गाड़ियों का रेला है, एम्बुलेंसेस लगी हैं और परिजन हैं। दरअसल इस महामारी ने सैकड़ों लोगों की जानें ले ली हैं, मरने वालों का सरकारी आंकड़ा चाहे जो भी हो लेकिन मरने वाले काफी ज्यादा हैं। और अब आप इस शहर के इस जगह को देखिए, पूरा शहर लॉकडाउन है लेकिन भैंसा कुंड यानी बैकुंठ धाम जिसे हम कहते हैं वहां पर डेड बॉडीज का रेला लगा हुआ है। बेहद ही खौफनाक, बेहद ही ऐसा दृश्य जिसे देखना कोई पसंद नहीं करेगा। सिर्फ एम्बुलेंस, शव वाहन और परिजनों की गाड़ियां और रोते बिलखते परिजन, यही इस वक्त यहां का दृश्य है और यही लखनऊ का हाल है। हालत बिगड़ती जा रही है, सरकार का दावा है कि वो कंट्रोल करने में लगी है लेकिन अभी भी शहर में हालत ये है कि लोग मर रहे हैं और उन्हें न तो बेड मिल रहा है और ना ही ऑक्सीजन। संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।